न्यू चैलेंज दैट आई हैव कि आज तक कभी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जीता नहीं, तो मुझे लगता है कि आई होप दैट द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस इट हैपेंस दैट. बिग बॉस में अगर कुछ कंटेस्टेंट्स हैं मैं उनको देखता हूँ तो मेरा यह कि दे आर प्लेयर्स, लाइक जैसे शिव है, अर्चना है, दे आर प्लेइंग द गेम. बट बस ये है कि आपको कई बार पता नहीं लगता है कि खेलते खेलते आप कब लिमिट क्रॉस करके यहाँ पता ही नहीं लगता कब बदतमीजी में बदल जाते हैं. क्योंकि वो ईजनेस, वो जॉय जो मेरे अंदर है, मैं वो चाहूँगा, वो मुझे लगता है कि वो घर में थोड़ा कम है और मिसिंग है. सो व्हेन आई से द नेम्स ऑफ दीस फेलो कंटेस्टेंट्स, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? साजिद खान. आई डोंट नो. अब्दू. आई डोंट नो. निम्र. यार सरदार नहीं, मैं पंजाबी हूँ, मुझे सरदार नहीं, मुझे प्यार है. शालीन. आई होप कि मैं चिकन पिनाट हूँ. आई सी माई सेल्फ एज द विनर. ही माइट हैव स्टार्टेड हिज करियर विद अ लिटिल लेफ्ट राइट लेफ्ट, बट नाउ ही हैज अ वेरी सिंगल माइंडेड फोकस दैट ही वॉन्ट्स टू क्लेम द बिग बॉस 16 ट्रॉफी एज ही एंटर्स एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट. सो विकास, वेलकम टू बॉलीवुड बबल. थैंक यू फॉर आई हैव टू स्टार्ट बाय सेइंग मतलब अभी तक जो सीजन निकला है 2 महीने हो गए हैं, यू हैव फॉलोड इट, एंड व्हाट इज मतलब द बिगेस्ट लर्निंग फॉर यू from abhi tak ki matlab jo you have used as a strategy for you to go inside? I don't think there is any strategy that I have. The only mindset I have is ki aap take it as it comes. Yeah. Aur as a wild card contestant mujhe lagta hai ki ye advantage hai ki aapko thode bahut bahar se dekh ke wo nazariya pata lag raha hai, logon ka mindset pata lag raha hai, unka mental state pata lag raha hai ki kaise khelte hain, sahi hai ya nahi hai. But agar main judgmental ho jaun ya strategize kar lun to मैं अपने माइंड को क्लोज कर लूँगा उन सब के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो गलत होगा. सो आई वांट टू गो आउट एंड बी ओपन टू कनेक्टिंग विद एवरीबॉडी एंड लेट्स सी हाउ इट गोस. सो व्हाई डिड यू डिसाइड टू गो एज अ वाइल्ड कार्ड एंड नॉट मतलब ओरिजिनली स्टार्टिंग से? सो एक्चुअली करीबन पिछले 5 साल से आई हैव बीन इन टच विद बिग बॉस टीम, पर कभी था नहीं कि मैं करूँगा या माइंड नहीं था पहले. बट इनफैक्ट इवन एट द स्टार्ट ऑफ दिस सीजन इटसेल्फ आई वॉज इन टॉक्स, और वही दौरान मैंने पहली बार ऐसा है कि जो मैंने अपना माइंड बनाया कि हाँ करते हैं, बट द थिंग्स डिडंट मटेरियलाइज एट द पॉइंट टाइम, और मुझे लगता है कि वो अच्छा ही हुआ. देर इज़ अ न्यू चैलेंज दैट आई हैव कि आज तक कभी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जीता नहीं, तो मुझे लगता है कि आई होप दैट द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस इट हैपेंस दैट आई एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आई गो इन देयर एंड आई विन द ट्रॉफी, और तो मज़ा आएगा. 16 सीजन इज द चैंपियन से, बट अभी तक जैसे यू हैव सीन द गेम्स ऑफ एवरीवन, हु डू यू थिंक इज प्लेइंग द बेस्ट राइट नाउ इनसाइड द हाउस एंड हु इज प्लेइंग काइंड ऑफ द डर्टीएस्ट? यार मैं बेस्ट और वर्स्ट नहीं कहना चाहूँगा. मुझे लगता है कि बिग बॉस में अगर कुछ कंटेस्टेंट्स हैं मैं उनको देखता हूँ तो मेरा यह कि यार दे आर प्लेयर्स, लाइक जैसे शिव है, अर्चना है, दे आर प्लेइंग द गेम. वो ओपन खेलें, छुप के खेलें, घुमा के खेलें, but they are playing. Yeah. So for me they are really playing very well. But बस ये है कि आपको कई बार पता नहीं लगता है कि खेलते खेलते आप कब लिमिट क्रॉस करके यहाँ पता ही नहीं लगता कि कब बदतमीजी में बदल जाते हैं. तो मेरी कोशिश ये है कि मैं बदतमीज ना रहूँ. ओके. एंड अगर आपको एक बताना हो मतलब हाउसमेट्स को कि इस चीज़ से बीवे रहें बिकॉज आप अंदर जा रहे हैं, यू विल ब्रिंग दैट, सो वॉट वुड दैट बी? बीवे रहें. यार मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मैं I'm just an easy guy on the eyes and otherwise. So मुझे लगता है कि वो ईजनेस, वो जॉय जो मेरे अंदर है, मैं वो चाहूँगा, वो मुझे लगता है कि वो घर में थोड़ा कम है और मिसिंग है. हर कोई सिर्फ अगर अपना पॉइंट प्रूव करना होता है तो लगता है कि सिर्फ गुस्से में होकर और लड़कर ही चीख कर ही बोलेगा तो ही वो सही है. तो मुझे लगता है कि वो एक्चुअली गलत है, वो वीकनेस है. तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर डिस्कशन है, मुद्दा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो उनको थोड़ा सा इज्जत से करके रिस्पेक्टफुली ट्रीट तो करें, बात करें. नहीं होता है फिर आपके पास वही ऑप्शन बचता है अगर, तो वो अलग बात है. बट आप सिर्फ शुरुआत ही उसी से करें, एंड ही उसी से करें, तो फिर मज़ा नहीं है. सो व्हेन आई से द नेम्स ऑफ दीस फेलो कंटेस्टेंट्स, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? जी, लाइक वन लाइन में हाउ वुड यू डिस्क्राइब? आई वुड ट्राई माय बेस्ट. साजिद खान. आई डोंट नो. अब्दू. बडी. ओके. शिव. प्लेयर. अर्चना. अनदर प्लेयर. प्रियंका. जरूरी नहीं है यार, अगर आप सही हो तो गुस्सा ही करते रहो. निम्र. यार सरदार नहीं, मैं पंजाबी हूँ, मुझे सरदार नहीं, मुझे प्यार है. अरे जनानियों से
बचपन से प्यार है। सो हमें पता है मुझे मुझे लगता है कि वो बहुत ही कमाल की औरतें होती हैं, उनका माइंडसेट जो है दोस्ती को लेकर, चीज़ों को लेकर बहुत सही है। तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है उनमें कि आप गलत भी कर रहे हो ना तो मुंह पे बोल के कर रहे हो, आई एम स्टैंडिंग बाय माई फ्रेंड। वो फ्रेंडशिप आगे जाके रहती है, नहीं रहती है, बदलती है, बट एट दिस पॉइंट टाइम है तो कैरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स है वो। मुझे वो, क्योंकि मैं भी वैसे ही हूँ, तो वो चीज़ मुझे उनमें बहुत पसंद है। शालीन, वो अपने आप को ही लेकर कंफ्यूज है। ओके, एंड लास्टली टीना, उनके लिए मैं, उनको समझने के लिए टाइम लगेगा, मुझे उन्हें समझने के लिए टाइम लगेगा। ओके जी, एंड अभी जैसे 3 साल बाद यू आर रिटर्निंग टू द टीवी जी, लाइक 2019 के बाद, सो इस बीच डिड यू मिस टीवी एंड व्हाई वाज द, मतलब व्हाट्स द रीजन लाइक यू स्टेड अवे? सी, एक्चुअली अनफॉर्चूनेटली बिकॉज बीच में कोविड हो गया, दो साल तो डेढ़ से दो साल आपको पता ही है कैसे रहे इंडस्ट्री के। और बट इस दौरान मैंने एक वेब सीरीज करी है विच इज़ गोइंग टू बी रिलीजिंग सून फॉर अ प्लेटफॉर्म। ओके, आई डिड अ शॉर्ट फिल्म, बट बिसाइड दैट जो टेलीविजन में जैसे हम रेगुलर काम करते थे वो नहीं रहा है क्योंकि हमारी शूट्स भी बंद रही हैं। प्लस मैंने अपने करियर में ये कोशिश की है कि जो भी मैं किरदार निभाता हूँ, चाहे वो लेफ्ट राइट लेफ्ट है, मैं ना बोलूँगी है, गुलाम है, या वो नमाह है, या वो झांसी की रानी है हमारे ही चैनल का, वो हर किरदार एक दूसरे से अलग रहा है। तो मुझे इतना एक्साइटिंग किसी किरदार ने या किसी ऑफर ने किया नहीं कि यार मुझे वो किरदार करना ही करना है, बहुत मज़ा आएगा। तो दिस इज़ बीन माई अंडरस्टैंडिंग सिंस द स्टार्ट। ओके, एंड तो इसीलिए मैं नहीं आया हूँ। प्लस ऑफ कोर्स वी वर फोर्स टू सिट एट होम एंड पर उस यू नो कोविड ने ना काफ़ी ओपिनियंस अबाउट लाइफ मेरे जो हैं वो बदल दिए। तो इसीलिए मुझे भी लगा यार एक ही जिंदगी है, आज है, पता नहीं कल होना, तो करो, एक्सपीरियंस करो, गुड बैड अगली बिना सोचे हर किसी चीज़ में होता है, करो, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट। Yeah. When you first meet or maybe speak to Salman sir, what would you like to say to him? पता नहीं यार क्या कहूँगा। I think he is a very very strong foundation and pillar of this show और हमारे चार pillars जो already हैं, वो चार pillars में से नहीं है, वो तो हमारी team है Endmall की और Colors की, बट एक उसके अलावा एक सेपरेट स्ट्रॉन्गर पिलर है सेंटर में जी, जो है सलमान सर जी। और जो जो अपनी कीन आय से और समझ से वो डायरेक्शन देते हैं और सुलझा देते हैं गुथियों को, वो बहुत ही कमाल है। और मैं आई होप कि मेरा उनके साथ कनेक्ट अच्छा रहे और आई होप कि मैं चिकन पे ना अटकूँ और उनको वो बुरा ना लगे। बट आई जस्ट, माई वाइफ इज़ बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम एंड मैं चाहूँगा कि शी इज़ वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस, सो आई होप आई हैव अ गुड कनेक्ट विद हिम। थैंक यू। एंड लास्टली, हु डू यू सी एज़ द फाइनलिस्ट दिस सीज़न? आई सी मायसेल्फ एज़ द विनर। ये कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जा रहे हैं एंड आई एम श्योर दिस इज गोना वर्क फॉर इन योर फेवर। थैंक यू, थैंक यू, कांट वेट टू सी ऑल दैट यू डू। थैंक यू, एंड रियली एक्साइटेड टू सी यू इनसाइड द हाउस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई रिमेंबर इनके कहने से पूरा पहले, क्लोज करने से पहले, भाई लोग जनानियों, उनके भी भाई लोग, प्लीज़ मेरे लिए वोट कीजिएगा। आप सब अपने परिवार के साथ बहुत सारे भर के ऊपर वोट कीजिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना भी मैं एज एन आर्टिस्ट एंटरटेन कर पाया हूँ, एज अ ह्यूमन बींग, एज विकास, मैं आपके चेहरों पे वो स्माइल भी ला पाऊँ और आपको वो मज़ा आए, क्योंकि मैं भी मज़ा लेना चाहता हूँ, वहाँ खुश रहना चाहता हूँ, जो बहुत मुश्किल है, बट करेंगे। और प्लीज़ अपना प्यार जो है वो कंटिन्यू करते रहिए और भर भर के वोट्स कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड हेल्प मी विन द शो। I remember you as Huda. Now I want to see Vikas. Thank you. Thank so, you. Thank you so much thank for you this. For wish me. You lots of love and love. Thank you. All the best for this trip. Thank you. God bless you guys. Thank you. Sir. Thank you. Hi, my name is Vikas Manakla and you're watching me on Bollywood Bubble. And I'm extremely grateful to all of you. Thank you.